वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे सभी स्टूडेंट्स जो इस समय क्लास 12th में हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम्स एमिड कोविड-19 पोस्टपोन हो चुके थे। बच्चों मुझे पता है बहुत सारा कंफ्यूजन डिलेमा आप सभी के माइंड्स में चल रहा है और ऊपर से कोविड का जो इम्पैक्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच्चों आप लोग थोड़े से डेविएट भी हो रहे हैं, बिकॉज कोई भी आपको एक पर्टिकुलर कंफ्यूजन नहीं मिल रहा है विद रेफरेंस टू योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर मैं बात करूं मेरा एजुकेशन मिनिस्ट्री की, जहां मैं मिनिस्टर्स की बात करती हूं, स्टेट्स की बात करती हूं, स्पेशल टीचर्स जिनको की टीम में रखा जा रहा है ताकि डिसीजन लिया जाए 12th बोर्ड्स को लेके ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन हुआ कि एग्जाम्स कराने चाहिए, बिकॉज 12th बोर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि इसके बाद से आप अन्य अपने जो कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स है, चाहे आपका नेशनल डिफेंस अकेडमी है, MNS है, चाहे आप IIT की प्रिपेरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट की प्रिपेरेशन कर रहे हैं, तो 12th जो है बेसिकली एक बेस साबित हो जाता है आपके आगे वाले करियर के लिए। जो एक कंसेंसस निकल के आ रहे हैं कि एग्जाम्स आपके होने हैं, अब बीच में बहुत सारी और भी बातें आ रही हैं कि एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया जाए, MCQ बेस्ड कर दिया जाए, अब एकदम से MCQ बेस्ड पैटर्न पे भी आपको चेंज लेके आना, बिकॉज अभी तक आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, आप लैब्स के अंदर जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके तरीके से तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे लेने हैं, स्टेट लेवल पे लेने हैं, तब जाके 1 जून तक एक शायद कोई कंसेंसस पॉजिटिव आ जाए जैसे कि हमें खबरें हाथ लग रही हैं। तो इस बीच में मैंने सोचा जो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज मुझे पता है कि जब आप 12th में होते हैं, 12th अपीयरिंग में होते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज की डेट में प्लानिंग पहले आती है, तो आप प्लानिंग 10th क्लास से ही कर रहे होते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एंड उसके बीच में आ जाती है कंफ्यूजन, एक ऐसी कंफ्यूजन कोविड की, बिकॉज कोविड की वजह से मुझे पता है काफी सारी फैमिलीज इंपैक्ट हुई है, हम सब जानते हैं, किसी ने अपने लव्ड वंस को खोया है, तो किसी ने अपने रिलेटिव्स में, आसपास आस पड़ोस में वो नेगेटिव माहौल देख लिया है कि बच्चों की जो पॉजिटिविटी है, अंदर से जो मन में पढ़ने वाली शक्ति होती है, बोर्ड एग्जाम्स के प्रति जो उनका एक्साइटमेंट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ। लेकिन अब अगर डिसीजन 1 जून को आ जाता है कि फाइनली यस बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी कंडक्टेड एंड सो एंड सो मैनर में कंडक्ट करने हैं, आपके एग्जाम के स्केड्यूल्स आ जाते हैं, बिकॉज बहुत देर तक इसको आप पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, बिकॉज आगे आपके जो कोर्सेज हैं वो भी इंपैक्ट होंगे, तो सबको देखते हुए आज ये वीडियो में मैं वो 5 बातें आपसे करने वाली हूँ, जिनका अगर आप फॉलो कर ले आज से ही, तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे अगर 1 जून को रिजल्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स के कंडक्शन का आ जाता है या टेंटेटिव डेट्स आपकी रिलीज हो जाती है एग्जाम के लिए। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहने के लिए आपको करना क्या है, बिकॉज नेगेटिविटी है इस समय कोविड की, ऊपर से आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होते हैं, आपकी प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, तो इन सिचुएशंस में सबसे पहले मेंटली स्टेबल रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जरूरत है कि आप एडिक्वेट स्लीप लें, पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो और अपने माइंड को टेंशन फ्री रखें, डीक्लटर रखें, बिकॉज अगर आप ऐसा कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जंग आप ऑलरेडी जीत जाएंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एड ऑन करेगा जब आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अपियर होने वाले होंगे। बच्चों अब हम सेकंड बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डे रूटीन की, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने डे को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, उठने की, खाना खाने के समय की, सोने के समय की, और साथ ही साथ में अदर एक्टिविटीज में जाने की, राइट, बिकॉज अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे बैलेंस करना है अपने आप को, अपनी स्टडीज को, कि आप दोनों ही तरीकों से बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे पाए। यदि आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करो, साइड बाय साइड आपको पता है कि आपके एग्जाम्स जो है लगे ही हुए हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC ओरिएंटेड हो, चाहे वो इंडियन आर्म फोर्सेज यानी कि इंडियन आर्मी यानी कि FMS करा रहा हो, चाहे फिर वो NTA करा रहा हो, आपकी जो प्लानिंग है अगर स्ट्रक्चर्ड है, तो मुझे लग रहा है कि 12th क्लास का काफी सिलेबस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। थर्ड चीज बच्चों मैं बोलने वाली हूँ कि अब टाइम टेबल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चर्ड डे रूटीन तो ठीक है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपका टाइम टेबल सही रहा, यानी कि आपको कस्टमाइज्ड टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको जो है अपनी स्टडीज को थोड़ा
करना पड़ेगा बिकॉज डिवाइड आपको, क्योंकि रिविजन भी करना है, उसके अलावा आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है जिसकी आप पिछले 6-7 महीनों से कर रहे हैं तैयारी। बिकॉज आपका भी एक टारगेट होता है बच्चों की आप जैसे ही 12th क्लास को क्वालिफाई करें वैसे ही आप जो है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर ले जाए। तो एक चार्टेड आउट यू नो प्लान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से आपका, जिसको कि टाइम टेबल बोला जाता है, जहाँ पे आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के अपने आवर्स को डिवाइड कर लीजिए अपने स्टडीज के अकॉर्डिंग कि कैसे आपने अपने यू नो सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कितना टाइम देना है और कितना ही टाइम आपको अपने बोर्ड्स को देना है। तो आप उसको बैलेंस करके चलेंगे जिससे कि आपको बेटर पता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप सोचें कि नहीं मैं 1 जून तक का वेट करूं क्या डिसीजन आएगा, प्लानिंग अगर पहले से होगी मुझे लग रहा है तो आपको 1 जून का जो भी डिसीजन आएगा एक अच्छा स्टूडेंट जो होगा उसको सब चीजें एक्सेप्टेबल होंगी बिकॉज वो हर चीज के लिए तैयार रहता है बच्चों, राइट। सो यहाँ पे यू नो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम है नहीं अपने डाल लेना है माइंड में कि एग्जाम्स ना हो या उस तरीके से नेगेटिव ले उसको कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए हैं और दुनिया भर की चीजें, पॉजिटिव रहना है और जो भी डिसीजन उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है, राइट। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि थरो रिविजन अब बहुत जरूरी हो गई है। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास 12th में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटी सी, अगर आप क्लास 12th में पीसीएम के स्टूडेंट हैं और आप एनडीए के अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं सितंबर वाले, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इवन इंग्लिश भी आती ही है आपके बोर्ड एग्जाम्स में बिकॉज इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के फॉर्म में पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ दी बोर्ड्स में एंड मोस्ट ऑफ यू नो जो भी आप सब्जेक्ट्स लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में, तो आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आपके एनडीए की तैयारी तो हो ही रही है। अब अगर यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी मान लीजिए अगर कुछ ऐसा आता है पूछे जाते हैं टाइम स्पैन कम होता है, तो कहीं ना कहीं जब आप तैयारी एनडीए की कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट्स आपको हेल्प भी करेंगे और वो जो वहाँ आपने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं वो आपको और हेल्प करने वाले हैं अपने यू नो सब्जेक्ट को और यू नो स्ट्रॉन्गर देने में। तो आप तैयारी कुछ ऐसे करें उन सब्जेक्ट्स को इक्वल मैनर में कर लीजिए जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के आने वाले हैं, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं आपके यू नो नॉर्मल सब्जेक्ट्स से, उनके लिए आप दिन में लाइक 1-2 घंटा भी थोड़ा थोड़ा टाइम एलोकेट कर दीजिए एंड जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होते हैं तो आप ज्यादा फोकस अपने उन सब्जेक्ट्स पे करिए जो आपके एग्जाम में यानी बोर्ड्स में नहीं पूछे गए थे। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको देने वाली हूँ बच्चों कि आप सिस्टम में फेथ रखिए, कीप फेथ इन द सिस्टम, जो भी डिसीजन होगा इतने बड़े लेवल पे अगर यू नो अथॉरिटीज हैं जिनको कि चार्ज दिया गया है यू नो इन सब चीजों को कंडक्ट कराने का, तो वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे। जो डिसीजन होगा जो स्टूडेंट्स के हक में होगा एंड जो मुझे ओवरऑल लगता है कि यूनिवर्सली सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए है जिससे एक अच्छा आउटकम आएगा फॉर दी नेशन, वो वही डिसीजन लेंगे। सो उसको एक्सेप्ट करिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग एनी डिसीजन एंड यू नो बी पॉजिटिव, बिकॉज अगर आपकी वाइब्स पॉजिटिव होंगी तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली बात है पॉजिटिव ही आने वाले हैं। एंड माई लास्ट टिप वुड बी बिलीव इन योरसेल्फ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स ओके इवन इफ यू गेट टू नो कि 10th से आपकी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है और आपकी बोर्ड एग्जाम्स कमेंस होने वाले हैं, तो इसमें ये आप क्रिटिसाइज नहीं करना है कि 10th है 10 दिन बचे हैं कैसे हम तैयारी करेंगे कैसे रिविजन करेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा से ही तैयारी अपनी करके रखता है, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो अगर आप सिंसियर हैं तो आपकी तैयारी चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने किसी भी कारणवश तैयारी छोड़ी है तो मुझे लग रहा है कि 1 तारीख का आप वेट मत करें, आप अभी से ही आज से ही अपने बुक्स को ओपन करें, इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स चार्ट आउट किए ही होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके टीचर्स ने बनवाए ही होंगे, कनेक्ट करिए अपने टीचर्स से, उनसे पूछिए बात करिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं और कैसे अब आपको अप्रोच बनाते हुए 10 दिन के अंदर अपने जो एग्जाम्स है बोर्ड्स वाले अब इन केस अगर हो जाते हैं तो कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहती हूँ कि टेंशन फ्री रहिए, हैप्पी रहिए और यू नो पॉजिटिवली अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मैनेज करने में, बट अगर आपने यहाँ मैनेज कर लिया तो आप लाइफ में किसी भी बैटल को मैनेज कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट लाइफ इज समथिंग जहाँ पे आपको टेंशन कम होती है, सिर्फ एक ही आपके पास में यू नो मैं बोलूँ कि बर्डन कह लीजिए उसको, चाहे आप कह लीजिए कि एक ही ड्यूटी है आपकी, दैट इज पढ़ना, तो पढ़ाई ही तो करनी है, तो उसको आप एंजॉय करके करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। एज यू ऑल नो आई गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने अलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। आई गॉट रिकमेंडेड फॉर NDA 145 कोर्स एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 11 SSB अलाहाबाद। आई गॉट रिकमेंडेड इन नेवी 10+2 BTech एंट्री। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का।
क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।